वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टोलिक 1.0। आज हम दिवाली डेकोरेशन के लिए कुछ दिया होल्डर बनाएंगे, तो चलो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट DIY। मेरे पास ये बहुत सारे MDF के पीसेस मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन, ये इजीली मिल जाते हैं। मैंने ये सारे MDF पीसेस मेशो से मंगवाए थे, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं हमें और बहुत अलग अलग तरह के शेप अवेलेबल है। मैंने ये स्क्वायर जो MDF बोर्ड था उसको पहले वाइट कलर का कोट दे दिया और उसके ऊपर आपको जो पसंद है कलर वो आप कर सकते हैं। मैंने ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया है। इसको हमें वुड का इफ़ेक्ट देना था, इसलिए मैंने थोड़ा गोल्डन कलर भी अप्लाई कर दिया। अभी ये येलो कलर की जो बैंगल है वो रेडीमेड मिलती है, आपके पास ये अवेलेबल नहीं रहेंगी तो आप गोल्डन कलर का जो दिया स्टैंड आता है वो भी अवेलेबल रहता है ऑनलाइन, वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैंने ये येलो कलर की जो बैंगल है उसको फेविकॉल से स्टिक कर दिया और इसके साइड्स में हमें बॉल चेन से इसको डेकोरेट करना है। तो मैंने वो शेप के हिसाब से मैंने बॉल चेन कट करके ले ली और इसके ऊपर स्टिक कर दिया। अभी थोड़ा मिरर से इसको डेकोरेट करते हैं, मिरर के बिना तो दिया स्टैंड अच्छा ही नहीं दिखता। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। इस तरह से हम अपने घर को दिवाली के लिए डेकोरेट कर सकते हैं। अभी चलते हैं हमारे सेकेंड DIY की तरफ। ये भी हमारा दिया स्टैंड ही है, इसको मैंने हेक्सागन शेप में बनाया है। ये भी मैंने मेशो से ही मंगवाया था, मैंने इसके ऊपर पर्पल कलर पेंट कर दिया, उसके ऊपर भी सेम मैंने गोल्डन कलर का ही यूज करके इसको वुड इफेक्ट देने की कोशिश की है। अभी इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने सेम इसके कॉर्नर्स को बॉल चेन से स्टिक कर दिया फेविकॉल की मदद से। इससे क्या होता है, साइड में जो कॉर्नर्स है वो अच्छी तरह से हाईलाइट होता है। अभी मेरे पास ये जो गोल्डन कलर की दिया स्टैंड है उसको हम फेविकॉल की मदद से सेंटर में स्टिक करेंगे। अभी इसके बाजू में मेरे पास ये बहुत सारे फ्लावर्स थे तो उसी का ही यूज़ करके हम इसको डेकोरेट करेंगे। इसको स्टिक करने के लिए आप ग्लू गन यूज़ कीजिए, क्योंकि फेविकॉल से ये अच्छी तरह से नहीं स्टिक होते हैं, ग्लू गन की मदद से बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाते हैं। अभी ये इसका फाइनल लुक है। ये बहुत ही सिंपल और ईजिली बन जाने वाले DIY है। ये दिया होल्डर हम घर सजाने के लिए फर्नीचर पे या रंगोली में रख सकते हैं और घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अभी चलते हैं हमारे तीसरे DIY की तरफ। ये जो हमारा थर्ड DIY है वो मैंने MDF बोर्ड से ही बनाया है, लेकिन इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने वॉल पुट्टी यूज़ की है। तो मैंने ये जो राउंड शेप है उसको मैंने पर्पल कलर से पेंट कर दिया। ये थोड़ा ग्लॉसी पेंट था तो मैंने वो अप्लाई कर दिया और सेंटर में ये जो गोल्डन दिया स्टैंड को फेविकॉल से स्टिक कर दिया। अभी हमें वॉल पुट्टी का डो बनाना है। ये हमें थोड़ा पतला बनाना है तो हमें पहले वॉल पुट्टी, ग्लू और वाटर एक साथ मिला के लेना है और उसका जो घोल है वो जैसे फेविकॉल की पेस्ट रहती है, जैसे फेविकॉल अप्लाई करते तब उसका थिकनेस रहता है, वैसे ही तरह से हमें ये पेस्ट बनानी है। और इसको हम प्लास्टिक बैग में फिल करेंगे और इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये मैंने जो बैग यूज़ किया है वो मैं केक के आइसिंग के लिए जो बैग्स मिलते हैं वो मैंने यूज़ किए हुए हैं। आपके पास नहीं अवेलेबल रहेंगे तो आप प्लास्टिक बैग से भी ये कोन बना सकते हो, और नहीं हुआ तो जो खाली फेविकॉल की बॉटल रहती है उसमें भी आप ये फिल कर सकते हो। अभी हमें इसके साथ ये ड्राइंग बनाना है। मैंने एक सिंपल फ्लावर का ड्राइंग बना के लिया है, इसके ऊपर हमें ये पेस्ट अप्लाई करते जानी है। अभी मैंने यही पेस्ट लगा के जो सेंटर का गोल्डन दिया स्टैंड है उसको स्टिक कर दिया। इसको अभी हमें 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको पूरा ड्राई होना चाहिए तभी हम कलर कर सकते हैं। ये पूरा ड्राई होने के बाद मैंने इसको येलो कलर से पेंट करना शुरू कर दिया। पर्पल के ऊपर येलो कलर बहुत ही अच्छी तरह से दिख के आ रहा था। अभी इसको हाईलाइट करने के लिए हमें 3D आउटलाइनर यूज़ करना है, तो मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए ये 3D आउटलाइनर यूज़ किया है। अभी इसको डेकोरेट करने के लिए मिरर तो हम यूज़ करेंगे ही, तो मैंने इसकी डिज़ाइन के हिसाब से जो
स्क्वायर शेप मिरर आते हैं उसको मैंने यूज़ किया है और इसको मैंने डेकोरेट कर दिया। अभी इसका आप फाइनल लुक देख सकते हो कि ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है और बहुत ही सिंपल और इजी है बनाने के लिए और फटाफट ये काम बन जाता है। तो ये देख सकते हैं आप इसका फाइनल लुक। अभी दिवाली नज़दीक आ गई है तो आपके पास ये MDF बोर्ड अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आप इसके लिए कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। ये भी इसी मेथड से हम बनाएंगे लेकिन ये मैंने हेक्सागन शेप पे बनाया है। इसके ऊपर मैं लोटस का डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। तो पहले ये वॉल पुट्टी अप्लाई करने से पहले हमें थोड़ा फेविकॉल इसके ऊपर लगा के लेना है। मैं पहले इसमें ये बोलना भूल गई लेकिन फेविकॉल को अप्लाई करना ही है। अभी मैंने ये पूरा जो ड्राइंग है वो वॉल पुट्टी से फिल करना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा वॉल पुट्टी बीच में छूट जाता है तो हम उसको कवर अप कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा पेस्ट हार्ड बन जाता है धीरे धीरे। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जब हम ये वॉल पुट्टी का काम कर रहे हैं तो हमें ये काम फटाफट निपटाना है क्योंकि ये सूख जाता है जल्दी इसके लिए। अभी मैंने लोटस के जो कलर्स आते हैं उसको लोटस की तरह पेंट करना शुरू कर दिया। आप इसके जो कलर्स रहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। इसको अभी हाईलाइट करने के लिए मैंने ऊपर की तरफ से 3D आउटलाइनर भी यूज़ किया है और इसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया। अभी साइड में जो जगह बची थी उसको मैंने ग्रीन कलर से पेंट कर दिया। मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए 3D आउटलाइनर यूज़ किया है। अभी इसको डेकोरेट करने के लिए कुछ मिरर भी हम यूज़ करेंगे जिससे ये और अच्छी तरह से दिख सकेगा। अभी आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक। ये दिए हम रख के फ्लावर रंगोली भी बना सकते हैं या फिर आपने रंगोली बना दी तो इसके ऊपर भी हम ये दिए सजा के घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो आज के ये सारे दिया होल्डर आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।